9 से 10 सितंबर तक राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि इस सम्मेलन में यूरोपीय संघ के साथ दुनिया के सबसे समृद्ध देशों के नेता महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। इनके रहने से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक के लिए पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। लेकिन दुनिया भर के शक्तिशाली नेताओं में से एक रूसी राष्ट्रपति पुतिन इसमें भाग लेने के लिए भारत नहीं आ रहे हैं, जबकि अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई दिग्गज नेता इस दौरान भारत में G20 शिखर सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि G20 समिट में पुतिन क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे, और पुतिन के नहीं आने से भारत को क्या फायदा होगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पुतिन G20 समिट में भारत क्यों नहीं आ रहे हैं। G20 सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दक्षिण अफ्रीका में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में भी हिस्सा नहीं लेने गए थे। उन्होंने इस सम्मेलन में वर्चुअली हिस्सा लिया था। ब्रिक्स देशों को संबोधित करते हुए उन्होंने वैश्विक बाजार में खाने और अन्य चीजों की बढ़ती कीमतों के पश्चिमी मुल्कों के प्रतिबंधों को जिम्मेदार बताया था। जब रूसी राष्ट्रपति ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे, तभी यह साफ हो गया था कि वो शायद भारत भी नहीं आएंगे। दरअसल यूक्रेन में कथित युद्ध अपराध के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है। इसका मतलब है कि अगर पुतिन रूस से बाहर कदम रखते हैं तो उन्हें तुरंत रूप से गिरफ्तार किया जा सकता है। यही वजह है कि वो रूस छोड़कर नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर हुई बातचीत में पुतिन ने बता दिया था कि वो भारत नहीं आ पाएंगे और उन्होंने इसके लिए बेहद दुख भी जताया था। इसके बाद बात करते हैं कि पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने वाली संस्था कितनी ताकतवर है। 1 जुलाई 2002 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC की शुरुआत हुई थी। ये संस्था दुनिया भर में होने वाले वॉर क्राइम, नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच करती है। इसका मुख्यालय द हेग शहर में है। ब्रिटेन, कनाडा, जापान समेत 123 देश रोम समझौते के तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य है। हालांकि रूस, अमेरिका, चीन, भारत सहित कई देश इसका हिस्सा नहीं है। ये कोर्ट आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सदस्य देशों को वारंट भेजती है, जो एक साल की तरह होता है। सैद्धांतिक रूप से सदस्य देश इसके आदेश को मानने के लिए बाध्य होते हैं। इसकी वजह से ही यूगोस्लेविया के प्रेसिडेंट स्लोबोदान मिलोसेविच को जेल जाना पड़ा था। आपको बता दें कि मिलोसेविच की जेल में ही मौत हो गई थी। अब बात करते हैं कि G20 समिट में पुतिन के शामिल नहीं होने से भारत को क्या फायदा होगा और इस फायदे को सौदे के तौर पर क्यों देखा जा रहा है। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। पुतिन का नहीं आना भी भारत के लिए अच्छी बात है। अगर पुतिन भारत आते तो यूक्रेन के मुद्दे पर नई दिल्ली बुरी स्थिति में फंस सकता था। भारत ने यूक्रेन के मुद्दे पर कहीं ना कहीं रूस का साथ ही दिया है। जब G20 की बैठक होती तो उसमें पश्चिमी मुल्कों के नेता यूक्रेन युद्ध पर पुतिन को घेरते, उनके फेंके जाल में भारत भी कहीं ना कहीं फंस सकता था, जिसकी वजह से असहज स्थिति पैदा होने की संभावना जताई गई। पुतिन के नहीं आने से भारत एक बड़ी परेशानी से बच गया है। वही आपको बता दें कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फॉर्म के तहत अक्टूबर में होने वाले तीसरे फॉर्म में शामिल होंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी वैश्विक स्तर पर चीन और रूस में खूब बन रही है। अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए भी दोनों देश एक दूसरे के साथ दे रहे हैं। चीन पुतिन के दौरे के लिए सबसे मुफीद जगह है। वहां उन्होंने ना तो किसी खतरे की आशंका है और ना ही किसी पश्चिमी देश के विरोध या बहिष्कार की गुंजाइश है। यूक्रेन वॉर के ठीक पहले भी पुतिन ने चीन का दौरा किया था। नमस्कार।